हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन दैट इज मैन्युफैक्चर बाय ओस्टवर्ड प्रोसेस कैरी आउट किया जाता है। इस प्रोसेस में तीन स्टेप हैं। पहला स्टेप है ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया को एरियल मतलब इन प्रेजेंस ऑफ एयर ऑक्सीडाइज करते हैं बाय यूजिंग प्लेटिनम रोडियम गेज कैटालिस्ट। गेज मींस जाली। कंडीशंस क्या है? 500 केल्विन टेम्परेचर और 9 बार ये है प्रेशर। इन कंडीशंस में अमोनिया ऑक्सीडाइज होकर फॉर्म करता है नाइट्रिक ऑक्साइड एंड वाटर। सेकेंड स्टेप में इस नाइट्रिक ऑक्साइड को फर्दर ऑक्सीडाइज करते हैं और NO को ऑक्सीडाइज करेंगे तो क्या बनेगा? NO2। तो ये सेकेंड स्टेप है ऑक्सीडेशन ऑफ NO नाइट्रिक ऑक्साइड। और NO2 बनने के बाद उसको डिजोल्व करेंगे किसमें? वाटर में। तो थर्ड स्टेप है डिजोल्यूशन ऑफ NO2 इन वाटर। NO2 को वाटर में एब्जॉर्ब करेंगे तो नाइट्रिक एसिड बन जाएगा और साथ में आएगा नाइट्रिक ऑक्साइड। तो ये जो सेकंड और थर्ड स्टेप है ये साइक्लिक प्रोसेस है। नाइट्रिक एसिड को हम फर्दर यहीं से यूज करेंगे, यहीं NO फर्दर कन्वर्ट करेंगे NO2 में और NO2 को एब्जॉर्ब करेंगे वाटर में। तो ये साइक्लिक प्रोसेस है। NO बनता रहेगा, NO को NO2 बनाते रहेंगे और NO2 को वाटर में एब्जॉर्ब करके नाइट्रिक एसिड बनाते रहेंगे। नाइट्रिक एसिड जो हम लेबोरेटरी में यूज करते हैं, लेबोरेटरी ग्रेड HNO3 है, वो 68% है। क्या मीनिंग है इसका? अपनी लेबोरेटरी में जो HNO3 है, जो कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड है, वो 68% बाई मास है। मीन्स उसमें 68 ग्राम नाइट्रिक एसिड प्रेजेंट इन 100 ग्राम वाटर, बाकी 32 क्या है उसमें? वाटर। इसको हम फर्दर कंसंट्रेट कर सकते हैं बाय यूजिंग सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो सल्फ्यूरिक एसिड की हेल्प से हम इसको 98% तक कंसंट्रेट कर सकते हैं, बाकी लेबोरेटरी में हमें 68% की ही जरूरत है। और इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 1.504। इसकी कोई यूनिट नहीं है क्योंकि एक ये रेशो है। स्पेसिफिक ग्रेविटी या इसको बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी, क्या होती है? इट इज रेशो ऑफ डेंसिटी ऑफ वन सब्सटेंस टू दैट ऑफ स्टैंडर्ड सब्सटेंस। लिक्विड के केस में जो स्टैंडर्ड है वो क्या है? वाटर। तो विद रिस्पेक्ट टू वाटर इसकी जो रिलेटिव डेंसिटी वो कितनी है? 1.504। क्या मीनिंग है ये? ये रेशो है किसकी डेंसिटी? नाइट्रिक एसिड की विद रिस्पेक्ट टू वाटर। मींस नाइट्रिक एसिड 1.405 टाइम्स मोर डेंस देन वाटर। अब स्टार्ट करें इसके हम प्रॉपर्टीज। नाइट्रिक एसिड एक गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इसकी हमने प्रॉपर्टी ली है पहले ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स। मेटल्स को अगर हम ट्रीट करते हैं विद कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड तो उसमें प्रोडक्ट क्या क्या बनेंगे? मेटल का नाइट्रेट, NO2 और वाटर, फिक्स प्रोडक्ट्स। जैसे एग्जाम्पल लिया हमने कॉपर। कॉपर को अगर कंसंट्रेटेड HNO3 से ट्रीट करते हैं तो कॉपर नाइट्रेट बन जाएगा, NO2 और वाटर। अब कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर ये कॉपर है ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कैसे करता है जबकि कॉपर हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है। तो ध्यान दें ये डिस्प्लेसमेंट प्रोसेस नहीं है। कौन सा प्रोसेस है? ये ऑक्सीडेशन। इसको मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया है सब समझाने के लिए, एग्जाम में आता तो इतना ही सफिशिएंट है। अब देखें ये रिएक्शन एक्चुअली कैसे कंप्लीट हुई है। इनिशियली नाइट्रिक एसिड डिकम्पोज होता है तो क्या क्या देता है? NO2, वाटर और नेसेंट ऑक्सीजन।
जो सब्सटेंस नेसेंट ऑक्सीजन देता है वो क्या कहलाता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये नेसेंट ऑक्सीजन कॉपर को ऑक्सीडाइज कर देगी क्यूप्रिक ऑक्साइड में। तो यहां से हमें क्लियर हुआ, इस नाइट्रिक एसिड ने कॉपर को कन्वर्ट किया, ऑक्सीडाइज किया कि इसमें क्यूप्रिक ऑक्साइड में। और क्यूप्रिक ऑक्साइड क्योंकि बेसिक है, मेटल के ऑक्साइड जनरली क्या होते हैं? बेसिक। इसलिए जो ही ये क्यूप्रिक ऑक्साइड बनेगा ये HNO3 के साथ कंबाइन कर लेगा। क्यों? क्योंकि HNO3 एसिड है, ये एसिड बेस कंबाइन करके साल्ट और वाटर बना लेंगे। इस तरीके से कॉपर का नाइट्रेट आ जाएगा। क्लियर सभी को ये? सिमिलरली अगर जिंक है तो जिंक का नाइट्रेट आ जाएगा। तो जो भी हम मेटल लेंगे वो कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड से कंबाइन करेगी तो क्या क्या प्रोडक्ट्स आएंगे? मेटल का नाइट्रेट, NO2 और वाटर। कुछ मेटल्स कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड में डिजोल्व नहीं होती या उससे रिएक्शन नहीं करते। कौन सी मेटल हैं? क्रोमियम और एल्यूमिनियम डू नॉट डिजोल्व इन कंसंट्रेट HNO3 ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ पैसिव लेयर ऑफ ऑक्साइड ऑन देयर सरफेस। एल्यूमिनियम को अगर हम ट्रीट करते हैं कंसंट्रेट HNO3 से तो कंसंट्रेट HNO3 इनिशियली एल्यूमिनियम को ऑक्सीडाइज कर देगा और एल्यूमिनियम के सरफेस पे ऑक्साइड की लेयर बन जाएगी। वो लेयर एल्यूमिनियम को या क्रोमियम को फर्दर प्रोटेक्ट करेगी, यानी कि एल्यूमिनियम उसके बाद एक तरह से इनर्ट हो जाएगा। इसलिए क्या कहा उसको? पैसिव। जो लेयर बनती है वो पैसिव हो, किसी से कंबाइन नहीं करती। इसलिए कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड का ट्रांसपोर्टेशन है वो एल्यूमिनियम के वेजल में किया जाता है। तो ये हमने बताया रिएक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड विद मेटल्स ने। एसिड कौन सा लिया हमने? कंसंट्रेट। अगर हमने एसिड लिया है डाइल्यूट तो उस केस में मेटल का नाइट्रेट तो बनेगा लेकिन जो ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन है वो चेंज हो जाएगा। और यहां ध्यान देंगे जो मेटल जिन मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है, कितना है कॉपर का? 0.34। जनरली उनके केस में जो ऑक्साइड है वो कौन सा बनेगा? NO, नाइट्रिक ऑक्साइड। तो कॉपर के केस में नाइट्रिक एसिड अगर हम ऐड करते हैं तो कॉपर का नाइट्रेट आ जाएगा, NO आ जाएगा, वाटर। मतलब ये तो फिक्स रहेंगे, मेटल का नाइट्रेट और वाटर तो फिक्स रहेंगे। तो डाइल्यूट में सिर्फ ध्यान क्या देंगे? ऑक्साइड कौन सा आया। और अगर मेटल रिएक्टिव है जिनका पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव में है, जैसे जिंक का कितना है? -0.76 वोल्ट, तो उस केस में नाइट्रस ऑक्साइड आएगा। तो ये हमने रिएक्शन लिखी है नाइट्रिक एसिड की कंसंट्रेट और डाइल्यूट किसके साथ? विद कॉपर एंड जिंक। नेक्स्ट आता है ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स में भी रिएक्शन एक तरह से फिक्स है। क्या होता है? नॉन मेटल कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन करके क्या फॉर्म करेगी? ऑक्सो एसिड, NO2 और वाटर। ये प्रोडक्ट तो यहां भी फिक्स है, कंसंट्रेट के केस में ये प्रोडक्ट फिक्स है, चाहे मेटल है चाहे नॉन मेटल है। डाइल्यूट एसिड है वो नॉन मेटल को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा क्योंकि एज कंपेयर टू मेटल इनकी रिएक्टिविटी लूज करने की इलेक्ट्रॉन कम होती है। इसलिए यहां करना पड़ेगा कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड। अब हम मान लो हमने आयोडीन लिया है तो आयोडीन क्या फॉर्म करेगी? आयोडिक एसिड। एक मेटल के एक से ज्यादा ऑक्सो एसिड्स हैं लेकिन जो मोस्ट कॉमन है वही फॉर्म होता है। तो इन केस ऑफ आयोडीन क्या बनेगा? आयोडिक एसिड। फास्फोरस है तो फास्फोरिक एसिड, सल्फर है तो सल्फ्यूरिक एसिड, और कार्बन के केस में CO2 बनेगा क्योंकि कार्बन का जो कार्बोनिक एसिड है वो नॉर्मल टेम्परेचर पे स्टेबल नहीं होता। तो हमें यहां से क्लियर हुआ कि नॉन मेटल नाइट्रिक एसिड कंसंट्रेट से रिएक्शन करके क्या बनाएंगी? ऑक्सो एसिड प्लस NO2 प्लस वाटर। कार्बन के केस में ऑक्सो एसिड कौन सा बनता है? कार्बन का ऑक्सो एसिड है कार्बोनिक एसिड, वो नॉर्मल टेम्परेचर पे स्टेबल नहीं होता। लो टेम्परेचर है, हाई प्रेशर है, तभी कार्बोनिक एसिड स्टेबल होता है।
तो CO2 ही बनेगा और साथ में क्या क्या जाएंगे NO2 आगे। आगे स्टार्ट कर रहे हैं रिंग टेस्ट। ब्राउन रिंग टेस्ट किसके लिए करते हैं? फॉर नाइट्रेट आयन। क्वालिटेटिव एनालिसिस में हम एसिड बेसिक रेडिकल्स के लिए टेस्ट करते हैं। तो नाइट्रेट आयन है, ये एसिडिक रेडिकल है। इसका कंफर्मेटरी टेस्ट है रिंग टेस्ट। कैसे किया जाता है रिंग टेस्ट? वो भी हम टेस्ट करते हैं, टेस्ट ट्यूब लेंगे। यहां जो टेस्ट ट्यूब ली हमने, उसमें लिया नाइट्रेट का अक्वस सॉल्यूशन। सभी नाइट्रेट वाटर में सोल्यूबल होते हैं, तो गिवन साल्ट अपने पास नाइट्रेट है, उसका हमने अक्वस सॉल्यूशन प्रिपेयर किया। टेस्ट में क्या लिया हमने? अक्वस सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रेट, कोई भी नाइट्रेट है, सोडियम नाइट्रेट है, कॉपर नाइट्रेट है, नाइट्रेट का साल्ट है। उसमें हमने ऐड किया फ्रेशली प्रीपेड फेरस सल्फेट सॉल्यूशन। फेरस सल्फेट ये उसी टाइम प्रीपेयर करेंगे, क्योंकि फेरस सल्फेट को बना के रख देंगे तो उसमें ड्यू टू हाइड्रोलिसिस प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाएंगे। तो टेस्ट में क्या लिया? Aqueous solution of nitrate plus freshly prepared solution of ferrous sulfate, और उसके बाद टेस्ट ट्यूब को थोड़ा तिरछा करके along the side of test tube add करेंगे sulfuric acid। add किया हमने concentrate sulfuric acid। हम क्या देखते हैं कि टेस्ट ट्यूब के अंदर एक ब्राउन रिंग बन जाएगा। तो अगर वो रिंग फॉर्म होता है, इट मींस जो अपने पास साल्ट है वो नाइट्रेट है। अभी टेस्ट होता क्यों है? इट डिपेंड्स ऑन द एबिलिटी ऑफ फेरस आयन, कहां से आएंगे? फेरस सल्फेट से, टू रिड्यूस नाइट्रेट टू नाइट्रिक ऑक्साइड व्हिच रिएक्ट्स विद फेरस आयन, ये फेरस सल्फेट है, टू फॉर्म ए ब्राउन कलर्ड कॉम्प्लेक्स। टेस्ट कैसे किया था? अक्वस सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रेट लिया टेस्ट ट्यूब में, प्लस में फ्रेशली प्रीपेयर्ड फेरस सल्फेट लिया और कंसंट्रेट H2SO4 कैसे ऐड किया अलोंग द साइड ऑफ टेस्ट ट्यूब, तो इसमें क्या बना? फिर ब्राउन कलर्ड कॉम्प्लेक्स। अब वो कंपाउंड क्या था जिसमें ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, जिसकी वजह से ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स बना हुआ, रिंग बना हुआ, सॉरी। इनिशियली अपने पास क्या है? नाइट्रेट, नाइट्रेट का साल्ट है, हमने सिर्फ एनायन दिखाया है क्योंकि ये टेस्ट सिर्फ एनायन के लिए है, केटायन को हम नहीं लिख रहे। आयोनिक रिएक्शन में उसी आयन को लिखते हैं जिसका यूज है, जो एक्टिव है, तो यहाँ एनायन का ही टेस्ट है, केटायन नहीं लिखा हमने, उसको ट्रीट किया, फेरस सल्फेट है ये। तो यहाँ फेरस सल्फेट में सल्फेट का कोई रोल नहीं, सिर्फ क्या है ये? फेरस आयन। ये एच आयन कहां से है? सल्फ्यूरिक एसिड से। तो इनिशियली क्या बना? एनओ। तो यहां इस Fe2 पॉजिटिव ने, फेरस ने इसको क्या कर दिया? रिड्यूस किसमें? एनओ में, और खुद क्या हो गया? ऑक्सीडाइज फेरिक में, साथ में आ जाएगा वाटर। अब ये जो एनओ है, ये जैसे लिखा हमने एनओ विच रिएक्ट्स विद फेरस, फेरस सल्फेट है ये, तो अक्वस सोल्यूशन ऑफ फेरस सल्फेट है, उसका ये फार्मूला है। ये वाटर मोलेक्यूल्स हैं और यहां पर क्या है? SO4 2 नेगेटिव, वो हमने लिखा नहीं, इसलिए यहां पर ये आयन आ गया। तो ये फेरस सल्फेट का फार्मूला है इन अक्वस सॉल्यूशन, ये कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसने कंबाइन किया NO के साथ, तो एक वाटर मोलेक्यूल इस रिंग कॉम्प्लेक्स से बाहर चला जाएगा और उसकी जगह NO आ जाएगा। तो इस कंपाउंड की वजह से ब्राउन रिंग बनेगा। अब इसका भी ध्यान दें, अगर इसका भी हम कंप्लीट फार्मूला लिखें तो यहां पर क्या लिखेंगे? सल्फेट SO4 2 नेगेटिव, 2 पॉजिटिव ये है, 2 नेगेटिव सल्फेट का चार्ज है, तो जो कंपाउंड बनेगा ब्राउन रिंग किस कंपाउंड का है ये अपने से अगर पूछें तो कंपाउंड बन जाएगा Fe H2O5 NO और ये आ जाएगा SO4। सल्फेट को हम लिखते नहीं है क्योंकि सल्फेट का इसमें कोई रोल नहीं है, पूरा कंपाउंड लिखें तो ये SO4 लिख देंगे, तो ये कंपाउंड है जिसकी वजह से ब्राउन रिंग बना है।
नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ HNO3, ये देखें हमने कैसे बना रखा है, बॉन्ड एंगल्स इसके याद रख ले। नाइट्रिक एसिड है उसमें HIN का लॉस होने के बाद, क्योंकि ये एसिड है एक्वस सॉल्यूशन में क्या क्या देता है, HIN और नाइट्रेट आयन, नाइट्रेट आयन का ये स्ट्रक्चर है। नाइट्रेट आयन में नाइट्रोजन sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है, तो कैसी शेप आएगी ये, ट्रिंगुलर, सारे एटम एक प्लेन में, तो प्लेनर। एंगल कितने होते इसमें, 120 डिग्री, जहां sp2 हाइब्रिडाइजेशन है वहां बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। और लास्ट में आते हैं यूजेज, नाइट्रिक एसिड को हम कहां यूज करते हैं, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनियम नाइट्रेट, जिसको यूज करते हैं फर्टिलाइजर्स में, और एक्सप्लोसिव जितने भी विस्फोटक हैं वो लगभग सारे क्या होते हैं, नाइट्रेट। सेकंड यूज है एज एन ऑक्सीडाइजर इन रॉकेट फ्यूल, जो रॉकेट होते हैं ना उसमें एक तो होता है फ्यूल, और फ्यूल की कंबसन के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन, तो जो ऑक्सीजन देगा वो कोई ना कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, वो डायरेक्ट ऑक्सीजन भी हो सकती है, या जैसे यहां क्या बताया इसमें, नाइट्रिक एसिड। तो ये इसके यूज थे। तो इस वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया है क्या क्या, मैन्युफैक्चर एंड प्रॉपर्टीज, लास्ट में क्या बताया, स्ट्रक्चर एंड यूज। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो उसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।